की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए बीजेपी का पैनल फाइनल हो गया है और दिल्ली में आज सीईसी की बैठक में फाइनल हो सकते हैं नाम। बैठक से पहले न्यूज 18 पर देखिए उम्मीदवारों के संभावित नाम। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों के नाम है, 3 से 4 महिलाओं को भी टिकट मिल सकता है। तो चलिए अब एक एक कर आपको नाम भी बताते हैं कि वो संभावित नाम कौन से हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 से 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है, पहली लिस्ट वो बीजेपी जारी कर सकती है आज। तो कहा जा रहा है कि सरगुजा से राम सेवक पैकरा पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। ये देखिए तस्वीर आपको भी दिखा रहे हैं हम कि आखिर ग्राफिक्स के जरिए देखिए समझिए कि कौन कौन हो सकता है। चिंतामणि महाराज पूर्व विधायक रह चुके हैं, विजय सिंह पूर्व विधायक और कमल भान सिंह पूर्व सांसद, कोई नया चेहरा नहीं। बिलासपुर से रजनीश सिंह पूर्व विधायक, किशोर राय पूर्व मेयर, हर्षिता पांडे पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की, भूपेंद्र सवन्नी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। देखिए किशोर राय की तस्वीर, नाम हर्षिता पांडे, इसके अलावा भूपेंद्र सवन्नी प्रदेश उपाध्यक्ष, राजेश सिंह पार्षद नगर निगम के, हालांकि कोई नया चेहरा नहीं है। बस्तर की अगर हम बात करें तो अब बस्तर पर भी नजर डालिए, लता उसेंडी विधायक, दिनेश कश्यप पूर्व सांसद, वेदवती कश्यप, कोई नया चेहरा नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात कोरबा की कर लेते हैं। विकास रंजन महतो प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, सरोज पांडे सांसद हैं, डॉक्टर विशाल उपाध्याय जिला संचालक आरएसएस के, अशोक चावलानी पूर्व जिला अध्यक्ष, इसके अलावा नन्ही दास दीवान शिक्षक संघ पदाधिकारी, इसमें भी कहा जा रहा है कोई नया चेहरा नहीं है। कोरबा के बाद बात रायगढ़ की भी कर लेते हैं। चलिए रायगढ़ की बात करें तो सुषमा खलखो प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, इसके अलावा गेंद बिहारी सिंह गहिरा गुरु के पुत्र हैं, बलराम भगत कल्याण आश्रम जिला अध्यक्ष हैं, सरकारी टीचर हैं। रवि भगत की बात करें तो भज्जुमो के से जुड़े हैं, शांति भगत की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जांजगीर चांपा पर भी नजर डाल लीजिए, जांजगीर चांपा में मंजूषा पाटले दुर्गा वाहिनी प्रांत के संयोजिका हैं, उसके अलावा अंबेश जांगड़े पूर्व विधायक हैं, नवीन मार्कंडे पूर्व विधायक हैं, कमलेश जांगड़े बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष है। तो ये वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो संभावित है, हालांकि आज इस पर मुहर लग जाएगी क्योंकि आज बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है। तो ये बड़ी बात है और आने वाली है बीजेपी की ये लिस्ट बेहद ही ज्यादा खास होने वाली है। अभिषेक संवाददाता, माफ कीजिएगा, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता, और अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, जो संभावित नाम हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, क्या लगता है इस बार कोई ज्यादा चांस बीजेपी ले रही है एक्सपेरिमेंट्स के लिए? देखिए, बीजेपी ने 2019 में ही सारे जो पुराने सांसद थे उन सभी को बदल दिया था और सारे नए चेहरों को मौका दिया था, और इस बार भी ऐसा ही माना जा रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर ऐसे 9 से 10 ऐसी सीटें हो सकती हैं जिसमें बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल देगी, नए चेहरे यहां पर उतारेगी। जहां तक बात है पैनल की, कल देर रात तक जो बैठक हुई है बीजेपी की, 11 नामों के पैनल पे मुहर लग गई है, फाइनल हो गई है। यहाँ से मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष लेकर आज बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में कम से कम 6 सीटों पर मुहर लग सकती है, फाइनल हो सकते हैं। हालांकि चर्चा ये भी कि सभी 11 नाम भी एक साथ यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं, लेकिन जिन 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें 2 सीट बीजेपी 2019 में हार चुकी है, कोरबा सीट और बस्तर सीट। तो यहाँ पर उम्मीदवार पहले घोषित हो सकते हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा में बीजेपी जांजगीर लोकसभा की सभी 8 सीटें हार चुकी है, तो माना जा रहा है यहाँ पर भी बीजेपी पहली लिस्ट में नाम जारी कर सकती है।
अमित शाह की हाल में यहाँ पर सभा भी इसीलिए करवाई भी गई थी। और तीन लोकसभा सीट ऐसी है जो बीजेपी सांसद थे, उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था और वो विधायक बन गए हैं। बिलासपुर से अरुण साव जो अब डिप्टी सीएम हो गए हैं, रायगढ़ से गोमती साय सांसद थी वो अब विधायक हो गई हैं, और सरगुजा से रेणुका सिंह जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री थी वो भी अब विधायक का चुनाव लड़कर विधायक बन गई हैं। तो ये तीन सीट भी खाली है। तो इन छः सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी आज पहली लिस्ट में अपने नाम यहाँ पर जारी कर सकती है। जहाँ तक फॉर्मूलों की बात है, 3 से 4 महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है इस बार लोकसभा चुनाव में। पिछली बार 2 महिलाओं को टिकट दिया था बीजेपी ने 2019 में, इस बार ये संख्या 3 से 4 तक हो सकती है। खास तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जा रहा है। जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो पृष्ठभूमि बड़ी अहम होती है। विधानसभा का ही फॉर्मूला था बीजेपी का, बीजेपी ने विधानसभा में भी जिला पंचायत अध्यक्षों को टिकट दिया था और वो जीत कर पहुंचे भी हैं। तो यही फॉर्मूला लोकसभा में भी अपनाया जा सकता है। हो सकता है ये लिस्ट आज जारी हो या कल, लेकिन सभी 11 नामों पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। अभिषेक जी, एक बड़ी बात जो आपने की कि बीजेपी ने इस बार भी विधानसभा चुनाव में जिला पंचायत के चेहरों को ज्यादा तवज्जो दिया, तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ कर सकती है बीजेपी। ये बहुत बड़ी बात और बड़ा पॉइंट, और न्यूज 18 के जो संभावित चेहरे हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं और हर चेहरे पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। विनीत भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, दिल्ली में क्या हलचल है, क्योंकि सारी चीजें तो यहीं पर पक रही हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में भी आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसी में अंतिम मोहर जो है वो आज दिल्ली में ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाएगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछली बार 2019 में सभी सांसदों के टिकट काट दिए गए थे, और इस बार उन्हीं सांसदों में से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राजनांदगांव से बात अभिषेक सिंह की बात करें, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, 2014 में सांसद रह चुके हैं, वो भी लगातार टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर से भी जो जिस तरह से हम अगर हम देखें, लखनलाल साहू भी जो है वो कई बार केंद्रीय मंत्री केंद्रीय नेतृत्व के पास आए हैं, उन्होंने भी टिकट की मांग की है। तो कई ऐसे भी चेहरे जो 2014 में जीते थे, 2019 में उनका टिकट कट गया था, वैसे भी लोग जो है वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, और संभवतः यह भी हो सकता है कि पार्टी जो है वो उनके नाम पर मुहर लगाए। लेकिन अंतिम जो नाम का जो फैसला होगा वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद, जब आज शाम को यहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद ही अंतिम नाम पर मुहर जो है वो लगाई जाएगी। जी, शाम तक कहा जा रहा है कि शायद पहली लिस्ट आ सकती है बीजेपी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए। विनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर